गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा नेक्स्ट डे है बागियों में और हम लोग जा रहे हैं एक विलेज टूर जिसमें यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर दिखाते हैं और कुछ शॉपिंग के लिए हैंडीक्राफ्ट्स भी मिल जाएंगे। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, दिनों से नहीं जब भी बागियों आते थे हम लोग सोचते थे उधर जाएंगे, मगर रिव्यूज़ में पढ़ते थे कि बारिश के दिनों में उधर जाने से किचकिच मिलेगा। सो अभी तो बारिश के दिन नहीं है तो होपफुली देयर शुड बी नो किचकिच। और बहुत दिनों से कुछ हैंडीक्राफ्ट का शॉपिंग भी नहीं किया है। सो लेट्स सी कैसा लगता है वहाँ पे और क्या क्या मिलता है वहाँ पे। चलिए चलते हैं। ये है हमारा पार्किंग स्लॉट। जैसा कल भी मैंने बोला था, ये पार्किंग देने का जो सिस्टम है यहाँ पे ये बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक है। अभी हम कितने होटल्स में जा चुके हैं थ्रू आउट एशिया, लेकिन यहाँ इस तरीके का पार्किंग सिस्टम हमें कहीं नहीं मिला। दिस इज रियली गुड। तो कोई फाइट ही नहीं है कि जब हम लोग वापस आएंगे तो अच्छा जगह घिर जाएगा। और पार्किंग स्पेस भी काफी ज्यादा है बेसमेंट में। हमारा लेवल 2 में पार्किंग है। दे हैव लॉट ऑफ स्पेसेस फॉर कार्स। सोचा था हम विलेज पहुंचेंगे बट एज सच कुछ नहीं था कि जहाँ गाड़ी पार्क करके जाने का कोई रास्ता हो। इट वॉज जस्ट गली के साइड के शॉप्स, वहाँ से हम एक दो बार शॉपिंग कर चुके। पास ही में ये म्यूजियम है, बेनकैब म्यूजियम। यहाँ पे भी हम लोग एक बार पहले आ चुके हैं, बट आज सोचा बच्चों को लेके आते हैं, होपफुली कुछ पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। टिकट लगते हैं 200 पर पर्सन, एंड इफ योर चाइल्ड इज अ स्टूडेंट एंड यू कैन शो द प्रूफ दैट ही इज स्टडिंग हियर देन यू कैन गेट द टिकट फॉर 120 इफ द चाइल्ड इज अबव सम हाइट लेवल। हमारे तो पूरे खानदान में सब लोग लंबे लंबे हैं, तो चाहे उम्र कितनी भी हो लंबाई तो कभी मैच करती ही नहीं है फ्री के लिए घुसने के लिए। तो फिर ठीक है, स्टूडेंट आईडी दिखा दिया। लकीली कुछ कुछ तो प्रूफ्स हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स की वजह से, दैट वर्क्ड। So let's go inside the museum now.
लगता है बिल्कुल। What is there? What is that? Advit. What is that? So Mr. Advit does not like art apparently. Advit, do you like art? I like shade. You like shade. तो यही था, धूप है इसलिए हुड लगाना पड़ रहा है। ठंड तो वैसे नहीं है पर ओवरऑल ठीक है। अगर किसी को आर्ट ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। And Mr. Advit is saying, let's go. एक जगह तो ये भाई साहब रुक नहीं सकते हैं कभी भी। Let's see. आज का और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, दोपहर का ही टाइम है। टाइम हो गया है 1:15 बज गया, तो भूख लग रही है, खाने का टाइम हो गया है। सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ हैवी नहीं किया था, ब्रेड बटर और ओट्स खा के निकले थे। म्यूजियम इज़ गुड फॉर दोज पीपल हु लव आर्ट, बट बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग स्पेस तो होता ही नहीं कभी भी म्यूजियम। बचपन में हमें भी नहीं अच्छा लगता था। आज तो हम लोग इसलिए चले गए क्योंकि इन लोगों के सब्जेक्ट में है, तो सोचा कि शायद कुछ ट्रेडिशनल आर्ट वर्क देखने से समझ में आ जाएगा। बट बच्चे ना किताबों में इंटरेस्ट होते हैं, ना ही म्यूजियम की जो प्रैक्टिकली चीज़ें दिख रहे हैं उसमें भी नहीं। ऑन द टॉप देयर वाज नथिंग दैट कैन एक्सप्लेन व्हाट आर वी लुकिंग एट। टैग्स तो थे बट कोई पॉइंटर्स नहीं थे दैट यू हैव टू गो फ्रॉम देयर फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देन व्हाट विल यू, व्हेन यू विल एंटर इनटू दिस रूम व्हाट विल यू फाइंड। इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली देन यू कैन डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू गो देयर और नॉट। देयर वर सम पीपल हु वर स्टैंडिंग देयर जस्ट टू टेल यू नॉट टू टेक वीडियो, नॉट टू क्लिक पिक्चर्स, बट देयर वॉज नोबडी to explain what is what. So अगर interest है तो पढ़ लो, नहीं interest है तो फिर खाली ticket का पैसा खर्चा करके आ जाओ। और सुबह सुबह के time पर धूप भी इतनी होती कि उनका जो beautiful garden जैसा एक था वहाँ पर भी खड़े हो नहीं पाए हम लोग ज़्यादा देर। ducks और fishes को food खिला करके खुद नहीं वहाँ food खा सकते क्योंकि everything is super expensive। चाहे कॉफ़ी भी नहीं पी सकते वहाँ पर, बस खुशबुओं से अपना दिमाग ख़राब कर सकते हैं खाने की। इट्स बेटर टू गो समवेयर वेर यू नो टू ईट फूड। वी डिडंट ईट फूड देयर, वी हैव फूड इन द कार फॉर किड्स सो दे कैन मंच ऑन इट। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना एक फेवरेट प्लेस है वोलांटस नाम है ना, वोलांटे कैफे वोलांटे। वहाँ पर हम हमेशा से पिज़्ज़ा जाके खाते हैं, उतना अच्छा पिज़्ज़ा तो हमें पिज़्ज़ा हट वगैरह में भी नहीं मिलता है जितना वहाँ पे मिलता है। बिकॉज इट इज़ लोडेड विद वेजिटेबल्स दैट आई ऑलवेज लाइक, सारे वेजिटेबल्स उसमें होते हैं। सो लेट्स गो टू वोलांटे एंड हैव आवर लंच देयर।